हमारे मास्टर जी राम केवल जी कौनो गीत के संकेत करत हवन, रात भर कौनो नाचे वाली हिय। अरे नाच के थक गई लिया हो, अनाज के थक गई लिया, सोचत थी कि हमारे सरकार मालिक आव तो अपने नाइट उइट ले ही या घरे चली, तबले दो चार गो पैक मार के आवत हवन, दो चार गो लईका आवत हवन, तो कहत हवन कि मैडम अरे सुन हो कि ढर जाती है अभी और होगा। कहा थे न चनिया के ऐसा बात है, सरकार की जैसे चहला हो वैसे रात भर न चौला हो, लेकिन अब हम थक गए हई, तनि हमरो पर कुछ दया कर। कहा थे कैसे हो कबो बेली कबो पाप तू नचाव हल्ला, के पैसा सधव हल्ला, हो कबो बेली कबो पाप तू नचाव हल्ला, हो सारा साटा के पैसा सधव हल्ला, हो तनी दया कर ए हया बला पा, तनी दया करो ए हया बला पा, तब लईका कहत हवन सो हो जाई बवाल तोरा भगला पा, काहे बाड़ी खिसिया ते हो पगला पा, आव ठुमका हो आव ठुमका हो आव ठुमका लगाओ है, अच्छा बाबूजी हम लोग गीत बिरहा गायिका ज्योति सरगम आप लोगों के बीच में भीएम एंटरटेनमेंट के माध्यम से एक बिरहा भेज रही हूं, जिस बिरहे का शीर्षक है शिष्य ने किया गुरु का बलात्कार। क्या बात है, ऐसा कुल बहुत कम देखे के मिलेला, और हमें आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बिरहे को आशीर्वाद दुलार प्यार जरूर देंगे। कैसे मास्टर जी बिरहा के अंदर भूमिका लगत है, अजब तेरा दस्तूर सृष्टि विधाता, आसमागम में गमगीन आंसू बहाए, भूल जाता क्यों इंसान इंसाफ को, गली दर गली चोट सीने में खाए, बिमल प्यार होता गुरु शिष्य का, गुरु की चरण में सागर समाए, गर्भ में डूब जाती जब गरिमा कभी, जिंदगी मौत से भारी उपहास पाए, ए बाबूजी आजकल ऐसा जमाना चल दिया है ना कोई भाई देखता है ना कोई बहन देखता है और ना कोई गुरु शिष्य देखता है, कहीं जहां लोह लागे तहां लहाय लो, ओइजे लहाय लो,
केहू से कोनो मतलब नहीं खे के शिष्य बा के गुरु बा के कौना रिश्ता में लगत है। कैसे बिरहा का अंदर गजल लिखत हो मास्टर जी। देखी उहे गजल बा जैसे प्यारे मोहब्बत वाला बा, कौनो लईका कहले बा कौनो लईकी खातिर का कहलस। बेइरादा नजर मिल गई तो मुझसे दिल वो मेरा मांग बैठे। लेकिन बिरहा के अंदर भाव लिखत हमन कवि जी कैसे। आबरू बिन कफन रो रहा है, आबरू बिन कफन रो रहा है, मुझको मारा है जालिम जमाना। मुझको मारा है जालिम जमाना। कफन रो रहा है, आबरू बिन कफन रो रहा है, मुझको मारा है जालिम जमाना। ये हकीकत समझ में न आता, ये हकीकत समझ में न आता, कब कहाँ होगा घर का ठिकाना। ए बाबूजी, भगवान किसको कब क्या बुलवा देता है और किसके मन में कब कौन सी बात को भर देता है कोई नहीं जानता है। कैसे बिरहा में कभी जी नजम का भाव लगावत हुवन बतावत हुवन की कहानी कहाँ के है केकर है कैसे। जिलायम रावती महाराष्ट्र प्रांत के अंदर चिखलहा रवाज में कबेरा गाम अति सुंदर। कृष्णा राव की वही सुंदर हवेली है, कृष्णा राव की वही सुंदर हवेली है, ललिता पुत्री और पत्नी नई नवेली है। कुछ दिन बाद में पत्नी का स्वर्गवास हुआ, सोचते सोचते कृष्ण राव मन उदास हुआ। सुता ललिता को कृष्ण राव जी दुलारे हैं, सुता ललिता को कृष्ण राव जी दुलारे हैं, पढ़ा लिखा के उसकी जिंदगी सवारे हैं। महाराष्ट्र के अंदर एक अमरावती जिला है, उसी अमरावती जिले के अंदर बहुत ही सुंदर
चिखलहरा मौजा में सावेर गांव बहुत ही सुंदर था और उस हवेली के मालिक थे कृष्ण राव, जिसका नाम कृष्ण राव बताया गया, उस हवेली के मालिक थे और उनकी एक नई नवेली पत्नी है और उनके गोद में एक भगवान ने पुत्री को जन्म दिया है और ऐसे करते करते पालन पोषण करते करते बिटिया बड़ी होती है और एक दिन ऐसा समय आता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। और जब पत्नी का देहांत होता है कृष्ण राव जी बहुत चिंतित होते हैं कि हमारी बेटी का पालन पोषण कैसे होगा, देख रेख कैसे होगा, पढ़ाई लिखाई कैसे चलेगा। लेकिन दिन प्रतिदिन दिन बीतत जाता और कृष्ण राव जी अपने बिटिया के पालन पोषण करत हुआ और धीरे धीरे बिटिया हाई स्कूल पास कर गईली, इंटर पास कर गईली और धीरे धीरे बीए क्लास में आ गईली, वो पास कर गईली। आज बिटिया सयान हो गई है, बाबू के ही चिंता लगल है कृष्ण राव जी के कि हमार बिटिया सयान हो गई, अब घर बार खोज के और इनकर शादी कर देवे के चाहे। उहे घर बार के तलाश में चलल हमन बाबूजी, कैसे तर्ज लगत है गो। उहे तर्ज बा राम केवल जी, यही जाड़ा के महीना में, यही जाड़ा के महीना में नया नोहर कनिया के गवना करा के आ कौनो मर्द बहरे चल गई हवा। उ मेहरारू अपना दिल के दुख बतावतिया कि आखिर में हमरा पे कौन विपत पड़ल बा, मन उदास हो के बैठल बिया। सखी सहेली पूछतरिया के कि अरे काये सखी कैसन उदास बैठल हो। उ मेहरारू बतावतिया कि हमार उदासी का कारण कहाँ का बतौलस। बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोइल, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोइल, बड़ी याद आवे पिया के प्यार कोइल। रतिया तरतिया पहाड़ दिन भइल, रतिया बड़िया दयावे पिया के प्यार कोइल, रतिया त रतिया पहाड़ दिन भइल, का करी हमरा करे जदाल दार के, का करी हमरा करे जदाल दार के, दिल बहले गईले, दिल बहले गईले राजा बोतल में भर के। लेकिन गीत से बढ़िया भाव लिखत हवन हमारे कवि जी, अपने बिटिया के घर बार खोजे खातिर चलल हवन। कैसे बड़ी खोजे बाबू बेटी के हर साई, एक दिन दुआरे बरात हमरा आई, एक दिन दुआरे बरात हमरा आई, एक दिन दुआरे बरात हमरा आई। बर खोज बाबू बेटी के सहरसाई, एक दिन दुआरे पा बरात हमरे आई, होई बेटी के सगाई धूमधाम से, होई बेटी के सगाई धूमधाम से, बाबू अरजी करे ले प्रभु श्री राम से, बाबू अरजी करे ले प्रभु श्री राम से,
बाबूजी, आज इ मन में सपना लेले हवन बाबूजी कि अपने बेटी के हम रिश्ता तय करब। हमरे दुआरे पर बरात आई सहनाई बाजी और धूमधाम से अपने बिटिया के हम शादी करब। और का सोचत हवन खोज कृष्ण राव गाँव गाँव घूम के पवले प्रवक्ता शंकर राव जी के चुन के गणन देखले बता के पूरा नाम के गणन देखले बता के पूरा नाम के बाबू और जी बाबू और जी करे ले प्रभु श्री राम से ए बाबू जी। कृष्ण राव जी ई मन में सपना सजौले हमन की अपने बिटिया के धूमधाम से शादी ब्याह करब। धूमधाम से बरात आई हमारे दुआरे पे सहनाई बाजी और हमरो बिटिया एक दिन दुल्हन बनी। भगवान से यह मनावत हवन आज वही दिन आ गई है। दुआरे पे बरात लगे का दिन आ गई है। भगवान से मनावत हवन कि हे भगवान हमरे इज्जत आबरोह पे कोनो आँच न आवे। जैसे ठल्ले है वैसे बीत जा हर माई बाप मनावेलन वैसे ही उहो मनावत हवन। बिरहा के अंदर गीत बदलत है मास्टर जी। उहे गीत हो जवन शादी ब्याह में हमारे माई बहन लोग गावेली। कैसे गावेली? छोटी मोटी सास बड़ी लमहर दामाद हो छोटी मोटी सास बड़ी लमहर दामाद हो तनिए सा निहुरए दुल्हा परछी लीला रहो तनिए सा निहुरए दुल्हा परछी लीला रहो लेकिन बिरहा के अंदर गीत से बढ़िया भाव लिखत हवन कवि जी। कैसे? सज के बारात गईली दुआरे पर आई हो सज के बारात गईली दुआरे पयाई हो होला मंगल चार झुम झुम बज सहनाई हो होला मंगल चार झुम झुम बज सहनाई हो होला मंगल चार झुम झुम बज सहनाई हो। क्या बात है ए बाबूजी। आखिर में उ दिन आ गई है जौनी दिने कृष्ण राव जी के दरवाजे पर बारात सज झज के आ गई है। माई बहन लोग खूब मंगल गीत गावत हैं। और कैसे? धीरे धीरे आइल सिंदूर दान के समैया
बा बेटी के बिदैया बनके दुल्हनिया ललिता ससुरा में आई हो 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 पाई के अजोरिया रात रजनी लजाई हो पाई के अजोरिया रात रजनी लजाई हो। ए बाबूजी बढ़िया से बरात गईल बढ़िया से धूमधाम से शादी भइल धूमधाम से विदाई भइल और बारात जैसे गइल रहे वो सही सज धज के वापस भी आ गइल। आज ललिता अपने ससुराल में हंसी खुशी से दिन बितावत है। काहे सुहाग रत्नामा नहीं है वही में कुल्हे आ गइल मान ला। अगर कनिया जाली ससुराल में तो एक दिन वो दिन तो अइबे करेला सुहाग रात वाला तो पहले न बहु सब करे जीवन में आवेला तोहरे जीवन में ना आइल ह तो बहुत याद आवेला आज भी। अच्छा यही से याद करत हो सुहाग रात के बाद तो वैसे ही आइल है अपने ससुराल में और कुछ दिन बीतल ह हंसी खुशी से दिन बितावत है तोले होत कहा मास्टर जी सरंगा में बतावल गई ललिता के पति शंकर राव प्रवक्ता रहले राव प्रवक्ता धोखा करे ले बरिया इंटर की छात्रा रहली मधुबिटहिनिया हो मधु शंकर संग भइल नैना चारजी। ए बाबूजी प्रवक्ता जवन ललिता के पति रहलन उ एगो एगो इंटर कॉलेज में शिक्षक रहलन और ओही कॉलेज का एगो लड़की इंटर में पढ़े वाली रहली जिनकर नाम रहे मधु। मधु बतावल गेल उनकर नाम ओही मधु से उनकर टक्का भिड़े लगल मास्टर साहब का। आ जवने मान ल टक्का भिड़े लगल मतलब कि प्यार होखे लगल नैनाचार होखे लगल। हाँ नैनाचार होखे लगल। ललिता के जब पता चलत ह कि हमारे पति देव बड़ा लेट लेट से घरे आवत हवन आजकल तोले फिर भइल कहा आगे फोनवा सुनत फाटे ललिता के छतिया हो ललिता के कैसे के बदलल विचार जी। ए बाबूजी जब आवत हवन प्रवक्ता साहब घरे अपने तो कवनो काम करे चल गए मोबाइल के रख के अचानक मधु फोन करत है ललिता उठा ले हली। आ जब ललिता उठौली तो बोलत है तो मधु ना बोलली चोर पकड़ा जाला चोरी कबले चली उ ललिता ना बोलली ओह पर रख दहली फोन के काट के ललिता तो कहली जब अइलन पति देव तो कहली कि ए जी सुनतनी
हमरवा से एगो बात पूछी। वाह पूछा पूछा। बड़ा प्यार से मेहरारू पूछलस। हाँ। के सैया जी जवन इ मधु नाम के एगो लड़की फोन कैले रही हा। हाँ। आखिर में वो आपका का लागेली? वाह। का रिश्ता बा उनसे आपका? वाह। तो उ कहले हव न कि कुछ ना हो, उ हमार स्कूल का पूरा टॉपर लेके हिया, हमारा उनकर एगो गुरु शिष्य का नाता बा, तेरी में बतावत हवन। पावन रिश्ता में दागी लग गईल तो भड़की काम के ज्वाला लगी जिगर में आगी। ए बाबूजी इतना देख के इतना सुन के उनकरे मन में शंका होत ह, कितनो प्रभुक्ता साहब बतावत हवन समझावत हवन बहलावत हवन, तब वो मेहरारू माने के तैयार नहीं खे, बार बार पूछतिया। तो बतावे के परल प्रवक्ता साहब के बतावत हवन कैसे सोरठी में भव। शिक्षक बन के शिक्षा देना करम बतलावाले, शिक्षक बन के शिक्षा देना करम बतलावाले, अरे करम बतलावाले हो। ललिता पूछेली बार बार न हो राम पिया हो राम रे, ए बाबूजी ए बात से उनके संतुष्टि ना होत हो, बतावत हवन न बही उ कहते हैं कि आखिर में ई के हो, आय ऐसन कुछ बात होके तो हमके बतावा हम समझ जाई, लेकिन बार बार उ कहत हवन कि ऐसन कोनो बात नहीं खे पगली जैसन तू सोचत अरे, कहत हवन कैसे एक दिन रातिया में मास्टर मधु आई ले, अरे मास्टर एक दिन रातिया में मास्टर मधु आई ले, अरे मास्टर मधु आई ले, सबर तोड़ी पूछे उस बार न हो राम किया हो राम रे, ए बाबूजी एक दिन ऐसन भइल कि वो मधु के लेके और मास्टर साहब घरे चले अइलन, आ जब मास्टर साहब घरे अइलन तो मास्टर साहब से चोरी छुपा ललिता पूछत अली मधु से कि अच्छा ये बतावा कि तोहार मास्टर साहब में और तोहरा में का रिश्ता बा, आखिर में तू इतना रात के मास्टर साहब के साथे कहे आइल बड़ू, अगर तू उनकर शिष्य हऊ तो क्लास के छुटला के बाद तुमके अपना घरे जाए के चाहे, तो तुरतिया में इनकरे सथवा कहे आइल बड़ू, उनके पूरा शक होत ह। तब ही मधु कुछ बोली ना पावत है तबले मास्टर साहब बतावत हवन, का बतावत हवन, बतिया सुनत शिष्य मास्टर जी बतावले, अरे मास्टर
बतिया सुनत शिष्या मास्टर जी बतावले अरे मास्टर जी बतावले हो क्लास अंदर बाटे हो न हार न हो रा किया हो रा मरे ए बाबूजी अब ही उनकरा से पूछते है कि आखिर में बतावा इनकरा से तोहार रिश्ता का भाई तोहार का लगेल उनकरा कुछ कहला से पहले मास्टर साहब कहत हवन कि अरे पगली ये हमार चेला है केला खिया हम इनकर गुरु है का हो जाए केला खिया दी है गुरु तो अरे भाई वो जरूरी न बा तबे तो मन फिट रही अब सुना उहे बतावत हो मास्टर साहब कि हमारे क्लास के अंदर सबसे टॉपर लड़की है और हम एक गुरु हई ये हमार शिष्य है अबे बतावत हवन तब्बो ना मानत है उ ललिता मनते ना है कहत है कि ना हम मनबे ना करब काहे से कि अगर शिष्य रहती तो जैसे ही क्लास से छूटती अपने घरे का राह देखती ये आधी रतिया का तोहरे संगवा का कर रही थी यही पर ए बाबू विवाद पर विवाद बढ़त चल गई और जब उनसे बर्दाश्त ना भइल प्रवक्ता साहब से तब आपन फिर कैलन का आपन जोर अजमावत हवन अपने पत्नी पर करत का हम मास्टर जी कोनो गीत लगत है झर झर नजरिया बरसे जैसे हो बदरिया बरसे झर झर नजरिया बरसे जैसे हो बदरिया बरसे झर झर नजरिया बरसे जैसे हो बदरिया बरसे नीरमम कसैया गैया कांपेली हो रा बेल्ट खींची मारे लगले साड़ी धोके फारे लगले बेल्ट खींची मारे लगले साड़ी धोके फारे लगले बेल्ट खींची मारे लगले साड़ी धोके फारे लगले बिगरल समैया गैया कांपेली हो रा बाबूजी जब अपने पति से पूछत है ललिता बार बार यह बतिया पूछत है बस मास्टर साहब के गुस्सा आवत है और अपने कमर से बेल्ट निकलन और बेल्ट बेल्ट लगलन अपने मेहरारू के मारे ललिता के अपने प्रेमिका के चक्कर में मधु के चक्कर में काहे से कि कोनो औरत के अपन सौत बर्दाश्त ना हो सकेला सब कुछ बर्दाश्त कर ली लेकिन सौत कबो ना बर्दाश्त करे यही से वो बार बार पूछे लगली आ मास्टर साहब के गुस्सा आयल और उनकरा के मार दहलन बहुत मार मार दहलन और जब मरलन ना तो वहां से भाग के और कहीं दूसरा जगह चल गईली आ जब दूसरा जगह गईली तब भइल कहा मास्टर जी पहपट में बतावत हो गुरु शिष्य के नाता दिए डुबाए प्यार के खाई में तो सच्ची दुनिया सही कथा दर्शाई प्यार के खाई में
ऐसे ही अगर गुरु शिष्य के नाता रही तो ना केहू केहू के गुरु रही और ना केहू केहू के शिष्य रहे। गुरु और शिष्य के नाता ही खत्म हो जाए। आगे बतावत हवन कवि जी। गांव के भाई ललिता के था उसी शहर में रहता हो, फैक्ट्री में ड्यूटी करके जीवन यापन करता हो। ललिता के घर गया सुबह वो आई प्यार के खाई में, तो ललिता रो रो सारी बात बताई प्यार के खाई में। बाबूजी जहां वो भाग करके गईल है ललिता, वहां उनकरे गांव का रहे वाला एगो लड़का है जौना लड़कवा का नाम रहल माधव। बार बार माधव, उहे माधव नाम का लड़का जब ओकरा से भेटा था ललिता से, तो ललिता अपना गांव क्षेत्र का जान के अपन भाई जान के उनकरा के पूरा बात बतावत है कि हमार पति देव हैसन हैसन काम करेलन हमरे साथ है। दूसरे से उनकर चक्कर चला था हमके मार पीट के भगा दिहलन घर से। उहो लड़का सुनत है बात के तो उहो सोचत है कि चला आयल बड़ू घर का मार ले ना, उहो अब फायदा उठावल चाहत था। कैसे अल्हा में बतावे के पड़त है। होला बिमाल प्यार भाई और बहन के भैया, होला बिमाल प्यार भाई और बहन के भैया, होला बिमाल प्यार भाई और बहन के भैया। दिया है या पावन नाता पपिया बना, ललिता को माधव अपने बात में फसवले बाबू, ललिता के माधव अपने बात में फसवले बाबू, ललिता के माधव अपने बात में फसवले बाबू। रहिया के काटा जब जय है हो मिटा, ए बाबू आज ललिता ओह माधव के प्रेम जाल में फंस गईली। धीरे धीरे अपन प्रेम जाल में वो माधव फंसा लेलन, आ जब अपने प्रेम जाल में फंसा लेलन माधव, तब ललिता सोचत हैं कि अगर हमार पति देव रही हन तो हमारे रास्ता के कांटा रही हन, तो काहे ना इनकरा के अपना रास्ता से हटा दिहल जाओ, ना रही बांस ना बजी बांसुरी। तो इहे अपना मनवा में सोच के चलल है। कैले का है मर के कटारी लिहली पति के परनवा भैया, माधो के कमरवा पर गोइली होया, माधो के कमरवा पे गोइली होया, ललिता को बिठाया माधव कमरा के अंदर भैया, हाटक बंद करके
बाबूजी। उ जवन ललिता रहली कटार हाथ में उठौली और अपने पति देव के गर्दन पे चला दहली। रात के समय में जब पति देव सुतल हवन तब चलौले है और तुरंत अपने पति देव के मार के और अपने आशिक मतलब माधव के रूम पर आ गई। और जब माधव के रूम पर आईली तब माधव अपने रूम के अंदर उनके करके और दरवाजा में बंद करके पैक करके और अपने रूम से बाहर निकल गईलन। और जब रूम से बाहर निकलन तब गईलन कहमा कि वो जात रहलन थाने। काहे से कि वो सोचत हवन कि जब ये अपना विवाहित पति का ना भइल तो हमार का होई, ई हमरो कब्बो ना होई, हमरो के कब्बो ना कब्बो ई नुकसान पहुंचाई दे। इहे बतिया सोच के और चलल हवन थाने। तोले भइल कहा खड़ी में बतावे के पड़ल। अरे खोल के फाटक चंडी रूप बनाई ललिता, अरे खोल के फाटक चंडी रूप बनाई ललिता, तो खंजर माधो के करजवा में चुभाई ललिता। होके स्वर्गवासी माधव गिरा भहराई, महिला पुलिस ललिता को हथकड़ी पहनाई। बात हकीकत सही सही बताई ललिता, अरे बात हकीकत सही सही बताई ललिता, तो खंजर माधव के करजवा में चुभाई ललिता। बाबूजी, जब इतना बात ललिता जान गईली कि हमार इज्जतियो ले हलस आ हमार हमके बहका के हमरा पति देव के हमसे मरवाइयो दे हलस आ थनो पर जाता कहे खातिर, तो एगो करनामा तक कई लही बा नहीं चला एहू के खत्म कर कहे के हमारी इज्जत बोई। बस दरवाजा खोल के और निकलली अपन चंडी रूप बना के और निकल के तुरंते जाए के पकड़ के उनकरे करजवा में भी खंजर घोप देहली। आ जब खंजर घोपली ना तो वही तरह करजवा पकड़ के भहरा के वो नीचवा गिर गईलन, लहू लुहान हो गईलन एकदम। और वही समय जब लहू लुहान भइलन तो ऐसे ही तड़प तड़प के उनकर प्राणवा निकल गए। और गाँव समाज के लोग फोन कैलन प्रशासन के, कहलन के दरोगा साहब हमारे गांव में ऐसन ऐसन कांड हो गई है, ऐसन बात हो गई है। दरोगा साहब भेजत हवन अपन प्रशासन के लोग के ऐलन, तो जवन लेडीज पुलिस होली ललिता के हाथ में लगौले है हथकड़ी लेके गई है थाने में। और थाने में जब लेके गई है तो उनसे पूछ जाच हो था कि आखिर में ये कुल कैसे का भइल। तो उ बतौले हैं जवन जवन उनकरे ऊपर बीतल है उहे उहे बतैले हैं कि गुरु शिष्य का इहे बात रहल। हमारे पतिदेव गुरु रहलन, एगो लड़की रहे उनकर शिष्या रहे, उन्हीं ने लोग में ऐसन ऐसन बात भइल तब्बे हम ऐसन कदम उठौली और आज हमरे साथे ऐसन हो गई। यही के बतावल गेल है कि गुरु और शिष्य के रिश्ता का होके के चाहिए। गुरु और शिष्य के रिश्ता उ होके के चाहिए जेके एक बार दुनिया याद करे। अरे हो के तो याद न करी हो। अरे जोने भाव से एके याद करी ओके दूसरे भाव से याद करी ना। तो गुरु शिष्य के नाता ऐसन होके के चाहिए, एकदम पवित्र होके के चाहिए।
ना कि कलंकित होके के चाहे। तो इहे रहल हमरा बिरहा के शीर्षक। हमार बिरहा खत्म भइल, कहानी यहीं से समाप्त भइल। उनकरे जेल गइले तक बिरहा यहाँ तक हमरे कवि जी जहाँ तक लिखले हवन यहाँ तक समाप्त भइल। और अंतिम कड़ी में बतावल गए गुरु बिहारी गुरु गणेश गुरु राम लाल जी पावन बबलू कवि गौरी शंकर की कविता बड़ी सुहावन। पावन रिश्ता में दागी लग गई, अरे पावन रिश्ता में दागी लग गई, गाती ज्योति सरगम कैसे किस्मत जागी। पावन रिश्ता